एबीपी न्यूज में आप सभी नाजरीन का खैर मकदम है। शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर की कुछ अहम खबरों के साथ। सूफिया से मैदानी इलाकों में मुस्कुराते चेहरों के साथ घुमंतू लौट रहे हैं, क्योंकि यह साल उनके लिए कई सालों से काफी फायदेमंद रहा है। स्थानीय रूप से गुज्जर और बकरवाला के नाम से जाने जाने वाले खानाबदोश सूफिया में गर्म क्षेत्र से कश्मीर में ईद पर और शादी के उद्देश्य से अपने मवेशियों को बेचने के लिए आते हैं। खानाबदोश ने कहा कि व्यापार और जलवायु की दृष्टि से यह वर्ष उनके लिए बहुत ही फलदायी रहा है और वे अपने व्यवसाय की उच्च अपेक्षाओं पर खरे उतरे हैं। संवाददाता मीर सज्जाद की है। आज हम वापस जा रहे हैं, 6 महीने के लिए हम यहाँ पर आते हैं, 6 महीने के लिए हम डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू में जाते हैं। तो फिलहाल इस साल का जो यहाँ का मौसम रहा डोकों का बहुत अच्छा रहा। तो इस साल जो था वो पिछले साल कोविड की काफ़ी ज़्यादा परेशानी थी, इस साल कोविड ने भी इतना ज़्यादा परेशान नहीं किया। ऐसा जो हमारे भेड़ बकरियों के जो रेट थे वो भी हमको कुर्बानी पर इस तरह से अच्छे मिले। तो अब आहिस्ता आहिस्ता घास ख़त्म हो रहा है, सर्दी जो है वो पड़नी शुरू हो गई है, तो इसलिए आज हम वापस जा रहे हैं। पुंछ मेंढर के भटादुरिया जंगलों में सुरक्षा बलों और छिपे मिलिटेंट के बीच मुठभेड़ स्थल पर भटादुरिया नगर के पास फिर से गोलीबारी जारी। पुंछ और राजौरी जिले के वन क्षेत्रों में तलाशी अभियान के दौरान वहां बैठे समेत 3 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। इन जिलों में पिछले हफ्ते से मिलिटेंट के साथ द्वारा मुठभेड़ में नौजवान शहीद हो चुके हैं। दोनों जिलों के वन क्षेत्रों में सुरक्षा बलों का तलाशी अभियान 7वें दिन भी जारी है। अधिक जानकारी के लिए जुड़े रहे एबीपी न्यूज के साथ, संवाददाता खुशहाल बानी की है। जो है आज 7वें दिन में दाखिल हुआ है और कुछ ही देर पहले जो है वो यहाँ पर फायरिंग का सिलसिला जो है फिर एक बार शुरू हुआ है और इस वक्त भी जो है फायरिंग का जम्मू कश्मीर अहले बैत फाउंडेशन के बैनर तले गोम अहमद बोरा मागम में ईद मिलादुन नबी और एकता सप्ताह के अवसर पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें उन्होंने मुसलमानों से पैगंबर के शीरा पर पालन करने और आपस में एकता बनाए रखने का आग्रह किया। संवाददाता सईद मुदस्सर की रिपोर्ट। मिलादुन नबी जरूरी है, इसीलिए जगह जगह सीरत नबी के जलसे बरपा होने चाहिए और जो आशकान पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं वह अपने इश्क व मोहब्बत से पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को ज़िंदा करें और उम्मत को ये पैगाम दें कि सीरत पैगंबर ही के ज़रिए हमारी हर परेशानी दूर हो सकती है, हर गुमराही दूर हो सकती है, हर तबाही दूर हो सकती है और इसी सीरत पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करने से हमारा सर बुलंद हो जाएगा और हमको दुनिया और आखिरत की इज्जत हासिल हो जाएगी। यही हमारा पैगाम है तमाम मुसलमानों की खिदमत में। क्या बीते दिनों पहले हुई जावेद की हत्या में मृतक के परिवार वाले ने कहा है कि हमारे बेटे जावेद अहमद की हत्या उसकी प्रेमिका के परिवार ने की थी। जावेद के परिवार के सदस्यों ने प्रेस इनक्लेव श्रीनगर में विरोध प्रदर्शन किया। उनकी मांग है कि अपराध में शामिल दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। संवाददाता सुहेल बाबा की यह रिपोर्ट। कजन तमस जावेद अहमद वानी सहर सह द्रा नमाज 10 सितंबर द्रा सह नमाज कल हफ्त नमाज तो पत् वो मस्जिद मे तमिस बन कोमुत गोन नमाज ब्रोथ वोमुत वल डेट गो तमिस वोमुत यह बह आस तो मे बो नमाज तुलित मे लगन 5 मिनट पत् फोन तुलमुत कह पत्मुत मस्जिद मे आमुत इमाम सोबन वन अमस आ फोन पे फोन अमस दिखा नमाज पढ़ना कहें सत द्रामुत मस्जिद मे पत् नबर अस पता सुलख तमिस गाड़ि मज नूख सह नफरो तमिस कोर फोन योर य पत् सो वोमुत तौर तक निगली नाला मतलब तक निगली वन तो तक मिले सुबह अह बजे तम स डेथ बॉडी सकस तस अलहन तो पत् ये अस मकलो ऊरम वम तमस कर। कुलगाम के वानपो इलाके में अज्ञात बंदूकधारियों ने गैर स्थानीय मजदूरों पर अंधाधुंध फायरिंग की। इस घटना में 2 गैर स्थानीय लोगों की मौत हो गई जबकि 1 घायल हो गया, जिसके बाद पुलिस और सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर दी। अधिक जानकारी के लिए जुड़े रहे एबीपी न्यूज के साथ, संवाददाता सईद वजा जिलानी की रिपोर्ट। जी आप कहाँ से हो? वनपुर में रहते हैं। तो क्या हुआ वहाँ पे? वनपुर में वहाँ पे हम लोग रूम पे बैठे हुए थे, अचानक ये लोग आया उधर से दौड़े हुआ, बोलता गोली लग गया इनको, फिर वहाँ से लेके हमारे डॉक्टर के। तो कितने बंदूक का गोली लग गई है? लगभग वहाँ 3 आदमी थे सर। तो अभी क्या स्थिति है उनकी? उनकी तो वो दो का पता नहीं लग रहा। तो आप लोग कहाँ पे रहते हो? हम लोग वनपुर मार्केट में रहते हैं अंदर। काम क्या करते हो आप लोग? मजदूरी स्लेब का। अच्छा, घर कहाँ है आपका? बिहार। तो कितने बंदूक बरदार? 3 बंदे पे हमला हुआ। हमलावर 3 थे। हाँ। तो उसके बाद क्या हुआ?